जम्मू एंड कश्मीर की मेन एंट्री लखनपुरा। लखनपुर में लाइन से ही आपको पकोड़े वाले मिल जाएंगे। मेन बात यह है कि यहाँ पे अब फोन बंद हो गए हैं, इंटरनेट तो छोड़ो कॉल्स तक नहीं लग रहे, बिल्कुल बंद। आना है तो कश्मीर आओ, ये मनाली मसूरी में कुछ नहीं रखा। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, अभी हमें यहाँ पे रोका और हमें बोला कि कहाँ से आए हो। हमने कहा दिल्ली से। उन्होंने कहा निकलो फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है। तो भैया नो पार्किंग में, नो पार्किंग। तो हेलो एवरीवन, फिर से नया व्लॉग स्टार्ट और ये हमारी पैकिंग। और आज हम जा रहे हैं कश्मीर और अभी 9:11 रात के। हाँ जी, तैयारी डन? यस। कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर श्रीनगर जा रहे हो? हाँ वही कश्मीर श्रीनगर। yes. तो अब ये सामान और बस निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं रात के 9:12, बाकी रास्ते में मिलते हैं। तो जी अभी बज रहे हैं 9:34 और मैं गाड़ी में आ गया और एक ये बैग गाड़ी में आया नहीं। हम निकलने के लिए तैयार। गाड़ी में अभी एक सेकेंड, हाँ मीटर फुल और मैं इसको ट्रिप को कर देता हूँ 0। ओके जी, अब हम श्रीनगर के लिए निकल रहे हैं। समय हो गया है शंकर भगवान की जय। 9:44 हो गए, समय 9:44 हो गए हैं। तो जी अभी हम रुके हैं गुलशन ढाबा और खाने का ऑर्डर दे दिया। क्या क्या ऑर्डर दिया है? ऑर्डर दिया है तो जी ये फोटो शूट भी बहुत ज़रूरी है फ्रॉम बॉम्बे का। तो जी अब निकल गए हम, खाना वाना खा लिया हमने, खाया गुलशन ढाबा पे खाना, बढ़िया मज़ा आया। और अभी हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से 743 किलोमीटर, तो 14 घंटे कुछ दिखा रहा है, बाकी फिर रास्ते में मिलते हैं। बारिश भी शानदार हो रही है, ठंडा मौसम हो गया, हमने गाड़ी का एसी भी बंद कर दिया इसीलिए, इसलिए बहुत तेज बारिश है तो मौसम ठंडा है। तो जी अभी रात के 3:18 और यहाँ पे हम कहीं पे तो हैं, जाम लग रहा है। तो जी अभी वहाँ से पता लगा है कि आगे हो रहा है एक्सीडेंट, तो सब लोग यहाँ से घुमा रहे हैं गाड़ी, वापसी जाएंगे और आगे से देखेंगे। और बारिश के तो बुरे ही हाल हैं, मगर मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा है, ठंडा। हम है कहाँ बस ये नहीं पता, किसी NH 44 पे है इतना पता है। रात ड्राइव करने के बाद हमें फाइनली अब यहाँ से पहाड़ दिख गए और बारिश अभी भी बंद नहीं हुई। बारिश तो कंटिन्यू हमारे साथ साथ तब से चल ही रही है, मगर भाई साहब मौसम ओहो कितना बढ़िया हो रहा है। और मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, चढ़ाई शुरू हो गई है। यहाँ से रास्ता हमारा श्रीनगर के लिए जा रहा है। 97 जम्मू का डॉगी और ये मस्त गाड़ी मजेदार चलती हुई आई है। देखो जी रास्ता कितना सही लग रहा है, ओह एक तो बारिश हुई है ना तो एकदम क्लीन साफ एकदम फ्रेश एयर। तो जी मजा आ रहा है। ये है जम्मू एंड कश्मीर की मेन एंट्री, ये ऑफिस, यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो रही है उसकी, अमरनाथ की। तो यहाँ पे हमसे रोक के पूछा था कि यात्रा में जा रहे हो या कहते, हमने बोला हम तो जा रहे हैं जी कश्मीर घूमने, उन्होंने तो जाने दिया कुछ नहीं कहा। तो अब यहाँ से फिर आगे जाएंगे और मौसम एक नंबर है, मज़ा आ गया। तो वो टोल हमने पार कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस ये पूछा अरे यहाँ के पकोड़े मैंने देखे थे फेमस बहुत हैं, ये पकोड़े खाएंगे। हाँ तो जैसे ही आप जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री लोगे तो ये पकोड़े मिलेंगे यहाँ पे, लाइन से दुकानें हैं वहाँ से यहाँ तक, तो ये बहुत फेमस है, मैंने पहले भी देखे थे। तो अब हम भी खाएंगे और आप लोग देखोगे कि जब आप आओगे तो आप भी यहीं से खाना फिर। तो जी वहाँ से बॉर्डर से एंट्री करते ही लखनपुरा, लखनपुर में लाइन से ही आपको पकोड़े वाले मिल जाएंगे और पकोड़े इनके मैंने देखे थे फेमस हैं, सारे अच्छे हैं। तो अब हम खा के देखेंगे कैसे हैं, बाकी हम आपको तब बताएंगे कि अच्छे हैं कि नहीं। और ये अपनी गाड़ी, मौसम भी बढ़िया, उस तरफ भी है पकोड़े पकोड़े, इस तरफ भी हैं लाइन से पकोड़े पकोड़े। और ऐसे मौसम में अगर पकोड़े नहीं खाए तो क्या फ़ायदा। ये ला रहे हैं डैडी पकोड़े छाता लेके। तो जी पकौड़े हमने खा लिए और मैंने एक स्टिंग लेने आया हूँ,
मगर पकौड़े अच्छे हैं। मतलब ऐसा है कि एक बार अगर आप आ रहे हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना बनता है। एक दोना 20 रुपये का दे रहे हैं, 20 रुपये में थोड़े सही हैं, बढ़िया टेस्टी है। मूली और चटनी के साथ दे रहे हैं, मज़ेदार। बाकी मम्मी से पूछते हैं पकौड़े कैसे लगे। कैसे लगे पकौड़े? टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। जम्मू कश्मीर की सड़कें थोड़ी ख़राब है, अगर सड़कें थोड़ी बन जाएँ तो अच्छा मज़ा आ जाए। उससे पीछे की तो सही थी सड़कें। जम्मू कश्मीर में एंट्री करने के बाद सड़कों में थोड़े गड्ढे हैं। तो जी मुझे तो लग रही गर्मी, मैंने एसी चला रखा है तो इनके हाल देख लो, ठंड लग रही है। शॉल दे दो भाई, पीछे मम्मी सो रही है, अपना बैग लेके, बैग में से पैसे ना ले जाए कोई, बहुत पैसा है इस बैग में। और ये देखो ठंड, और भाई साहब मौसम एक नंबर मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है। बारिश तो रुकी ही नहीं है, रात से थोड़ी तेज, कभी कहीं कम। रास्ता चेक करो गाइस, मस्त एकदम, मज़ा आ रहा है। रोड की थोड़ी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, 1 किलोमीटर बाद ही। अब एक जगह डायवर्जन था, वहाँ से उन्होंने बोला कि बंद है, आपको सीधे जाना पड़ेगा। और मेन बात यह है कि यहाँ पे अब फ़ोन बंद हो गए हैं, इंटरनेट तो छोड़ो कॉल्स तक नहीं लग रहे, बिल्कुल बंद, नेटवर्क ही नहीं है, और इसलिए मैप भी बंद हो गया। तो अब हम पूछ पूछ के जाएंगे, ओल्ड स्कूल, हमें रास्ता नहीं पता, क्योंकि पहले तो हम मैप के भरोसे चल रहे थे। अगर चलो ये एक अलग एडवेंचर है, मज़ा आ रहा है। अगर आप आओ तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। के बाद हमें पहली रेड लाइट मिली है। ट्रेन अगर 259 किलोमीटर राइट हैंड साइड। गाड़ी चलाने में मजा तो अब आएगा, पहाड़ तो अब आए हैं। कितने किलोमीटर रह गए आपका? 260 किलोमीटर है। मैप तो चल नहीं रहा, बिना मैप के पूछ पूछ के जा रहे हैं एकदम। देखिए गाइस कितने ट्रक है, कम से कम नहीं 1000 ट्रक लाइन में लगा हुआ है। ज्यादा नहीं होगा? 1000 ज्यादा ही हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अब ट्रक को गिनते हैं, कब से देखते आ रहे हैं। ये कितना अच्छा मौसम है। तो जी है आ गई एक टनल, और टनल का नाम तो हमें पता नहीं कौन सी है, छोटी टनल है कोई ऐसी। हमारे पीछे वाले को बहुत जल्दी है, इसको जाने देते हैं। बढ़िया जा भाई। ओ ये टनल थोड़ी बड़ी है। तो जी फाइनली मैकडोनल्ड्स दिख गया। हम लोग सामने वाले रोड से जा रहे थे, हम लोग उधर से जा रहे थे वैसे, मगर मैं आगे से यू टर्न मार के लाया मैकडोनल्ड्स के लिए, भूख लग रही है। फिर यहाँ से वापस ही हमें उधर ही जाना है, मगर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी भी बारिश हो रही है। रात भर जाग के ड्राइव करने का एक फ़ायदा होता है, ड्राइव भी क्या मतलब, रात भर जागने का एक फ़ायदा होता है, आपको सुबह ब्रश नहीं करना पड़ता और आप नाश्ता कर सकते हो। तो जी यू टर्न मार के आए मैकडोनल्ड्स के लिए, मगर ये लोग अभी ऑर्डर नहीं ले रहे। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कुछ और मिलता तो। बाय द वे मौसम चेक करो, मज़ा। देखो भाई सामने है ये बादल और उसके पीछे हैं पहाड़। आपको लग रहा कुछ नहीं है मगर पहाड़ों पे बादल हैं, ये इस टाइम हम बादलों के बीच में हैं। इधर साइड से देखो अगर समझ आए थोड़ा। तो जी भाई एक बार ज़रा व्यू चेक करो, बादल। चल रहे हैं बादलों के बीच में, देखो बिल्कुल बादलों के बीच में चल रहे हैं। ये है जम्मू कश्मीर के मजे। भाई साहब नज़ारे चेक करो एक बार जरा, क्या बढ़िया नज़ारे। और रास्ता देखो, ओए होए होए, आओ यार कश्मीर आओ जिसको आना है। बेकार मनाली वनाली, मसूरी मनाली सब बेकार है, बीड़ डलौजी सब घूमा मैंने, मगर जगह तो कश्मीर है। तो जी ये है जाम और हमको जाना है वहाँ, नज़ारे देखो।
आना है तो कश्मीर आओ, ये मनाली मसूरी में कुछ नहीं रखा। मैंने मनाली मसूरी डलौजी सब घूम लिया, बीर सब घूमा हुआ है, मगर भाई साहब कश्मीर नज़ारे लेने तो कश्मीर आओ। भैंसे भी मिलेंगी रास्ते में बहुत सारी। तो जी गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है, अभी यहाँ पे एक मैगी और टी ब्रेक और नज़ारे देखो यार, ये देख लो जी। ऐसे होता है सफ़र, किसी के बस की है तो करके दिखाओ। और हम पी रहे चाय और ये बिस्किट। तो जी चाय पी ली, डैडी खा रहे हैं मैगी, और यहाँ पे मैंने अभी पुलिस वाले अंकल से हॉटस्पॉट लेके दीदी को मैसेज कर दिया कि सिम नहीं चल रही, परेशान हो रही थी कि हम पहुँचे नहीं, नंबर नहीं लग रहे ना हमारे किसी के, आगे जाके सिम कर देंगे। मगर भाई लोग आप आओगे तो पोस्टपेड सिम लेके आना। हवा कम लग रही थी तो हम यहाँ भरवा रहे हैं हवा। कौन सी जगह है भैया? समरोली नाम है समरोली। अच्छा उधमगढ़ के पास जी। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, बहुत लंबी टनल है ये, और हमने कर ली एंट्री। तो जी भाई हमने फाइनली अब सिम खरीद ली है एक, और हमको पड़ी है एक सिम 310 रुपए की, 1.5 GB रोज। बाकी ये कोई नदी है एक कश्मीर में, और ये गाड़ी। ओ मम्मी उतर गए भाई फोटो खींचेगी अब तो। देखो भाई छोटा सा वाटरफॉल है यहाँ पे। नाला है ये, खूनी नाला, देखा पीछे लिखा हुआ था खूनी नाला। अच्छा ये हमने टीवी देखा था ना बीच में, खूनी नाला दिखाया नहीं था ये, वो है। तो जी एक रास्ते में ब्रेक और ये कुछ रास्ता है। यहाँ आपको पुराने कश्मीर की झलक देखने को मिल जाएगी। किसी किसी घर में मैंने अभी पीछे देखा था एकदम पुराने जमाने का लकड़ी का बना हुआ घर, अब तो ये सब नए बन गए। तभी रोकना चाहिए। तो जी अब यहाँ पे देख के फील पूरी आ रही है कि कश्मीर पे आ गए, क्या सीनिक व्यूज है, मज़ा ही आ रहा है, पता चल रहा है कि वी आर इन कश्मीर राइट नाउ, और देख के अलग ही मज़ा। अभी हमें यहाँ पे रोका और हमें बोला कि कहाँ से आए हो, हमने कहा दिल्ली से, उन्होंने कहा निकलो फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है क्योंकि आगे कोई टनल है वो बंद होने वाली है। और अभी बज रहे हैं 3:33, पता नहीं कौन सी टनल है, कितने बजे बंद होती है, तो हम भगाने के बोला तो हम भगाते हैं। ओके टनल पे मिलते हैं। लो जी हम आ गए स्विट्जरलैंड, मतलब के कश्मीर। देखो जी कश्मीर की सड़क देख लो, आने वाली भी यही है और जाने वाली भी यही है। अब मैदान सा है, समझ नहीं आ रहा डिवाइडर कहाँ पे, हम डिवाइडर पे चल रहे हैं।
ये ऐसा है जी कश्मीर अंदर से, अगर मजा आ रहा है जी जो भी है। ऐसे पूरी वादियां हैं, बहुत सुंदर है। मतलब कैमरे पे वो मजा नहीं है भाई, आके देखो एक बार, आ जाओ फिर देखो अपनी आंखों से, मजा आ जाएगा। ये देखो जी यहाँ पे लाइन से हमें पीछे पूरे बैट ही बैट की दुकान, इधर इधर बहुत दूर से चलती आ रही है, सारे क्रिकेट बैट मिल रहे हैं इधर पूरे में, क्रिकेट बैट की दुकान, फैक्ट्री, हाँ सारी फैक्ट्रीज है मेरे ख्याल से। हलमुल्लाह जगह का नाम। घर देखो यार कैसे बना रखे हैं, कितने सही लग रहे हैं, वाइब ही अलग है यहाँ पे। बताओ इंडिया का एक कोना ये भी यार जो हमने कभी नहीं देखा था, और कितना खूबसूरत है। देखो जी यहाँ की ये स्ट्रीट लैंप चेक करो एक बार, क्या सही ऐसा लग रहा है पुराने जमाने के बने हुए। और ये घर देखो जरा, पुराने जमाने के बने हुए बिल्कुल, इससे पता लगता है कि पुराना कश्मीर कैसा दिखता होगा। आ गए हम लाल चौक, यहाँ से राइट लेंगे लाल चौक, देखो पहुँच गए लाल चौक। देखो भाई लाल चौक पे बिल्कुल हमारे सामने नो पार्किंग में गाड़ी उठाई जा रही है, आपको भी दिखेगी अभी। ये रही रिकवरी वैन, ये इसके पीछे, और ये ऑल्टो उठाएंगे ये वाली, और ये सामने लाल चौक है, ये रहा बोर्ड नो पार्किंग का, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि नो पार्किंग हमारी ना उठ जाए। और ये अपना आइकॉनिक लाल चौक कश्मीर। गाड़ी तो कैसे करके गया गाड़ी को। अब ये देखो इसने लगा दिया अपना उसके नीचे, और ये टो करके। तो भैया नो पार्किंग में नो पार्किंग, नहीं तो गाड़ी ऐसे टो होगी। लाल चौक श्रीनगर कश्मीर।